अन्य भारतीय भाषाओं हिंदी के अलावा जो भारतीय भाषाओं की कहानी तथा कहानीकार और उनके विचारों को हम समझ सकेंगे इस खंड में। आज के खंड के अनुसार हम सबसे पहली कहानी दीदी एमटी वसुदेवन नायर के द्वारा लिखी गई मलयालम कहानी का अनुवाद आज हम चाहेंगे। किस तरह से केरल के जमाने की सामाजिक जिंदगी और समाज का मूल्य किस तरह से बरकरार है उसके बारे में आज हम परिचय पा सके। समाज की नैतिक धारणाओं में किस तरह से शिकार बनती है स्त्री, उसकी असहाय स्थिति के बारे में कहानी बयां करती है दीदी का। हालांकि देखा जाए तो अगर हम मलयालम साहित्य के बारे में पहले विचार करते हैं कि अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में मलयालम बोलने वालों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि कमोबेश 3.5 करोड़ लोग ही बोलते होंगे और मलयालम भाषा का इतिहास भी अधिक लंबा नहीं है, लेकिन ये भाषा जीवंत बनी हुई है क्योंकि प्रयोगात्मक रूप से अपनाई जाने वाली यह भाषा केरल में साक्षरता का स्तर अधिक होने के कारण साहित्य की संरचना और आस्वादन की क्षमता अधिक सशक्त है। हम एमटी वसुदेव पर नायर जी के बारे में जानते हैं कि वो एक मलयालम के मशहूर साहित्यकार के रूप में 9 अगस्त 1933 को केरल के पोन्नानी तालुक में कटल्लूर नामक एक गांव था जहां पर इनका जन्म हुआ। चार भाइयों में एकदम छोटा, जिद्दी स्वभाव का था और इस जिद्दी स्वभाव के बारे में माँ जो है मनोतिया करने जाती थी किसी तरह से यह सीधा साधा हो जाए, पर यही जिद्दी स्वभाव उन्हीं के लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि माना जाता है कि सन 1942 में ही कुमरनल्लूर स्कूल में एमटी ने 14 वर्ष की उम्र में क्लास 10 या 10वीं का दर्जा पास कर लिया था, पर उम्र होने से पहले कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सका। और इनके पिताजी श्रीलंका में एक मैनेजर थे, किसी कंपनी में प्रबंधन का कार्य संभालते थे और माँ भी उधर ही रहती थी, पर माँ जब बच्चे बड़े हो गए तो माँ केरल इनको लेकर आ जाती है ताकि संस्कार सीखे। ये तो लेखक के बारे में जो किस तरह से उनके अंदर केरलीय संस्कृति का माहौल बना वह उसके पीछे माँ का ही हाथ। पिताजी तो ठहरे नहीं, पर बेटे को बड़े लाड़ प्यार से वात्सल्य भाव से माँ ने पलाया पाला बड़ा किया। माँ भी बुरी तरह बीमार पड़ी थी तो वे मद्रास गए, उसका उपचार कराए और जब उनका एग्जाम हो रहा था तो माँ की मृत्यु की खबर उन्हें मिली, वो भी 2 दिन बाद बीएससी पास करके कॉलेज में प्राध्यापक के काम में नियुक्त किए गए। तो ये साहित्यिक जीवन में प्रवेश करने का एमटी का जो सबसे पहला दायरा था, जब सन 1956 में पहली मलयालम प्रतिष्ठित साप्ताहिकी मातृभूमि के सह संपादक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई और 1968 तक तो ये संपादक बन गए थे। फिर रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद साहित्य सृजन में ही संलग्न रहे। इस तरह से फिल्म वित्तीय निगम, फिल्म सेंसर बोर्ड, फिल्म इंस्टीट्यूट, केरल साहित्य अकादमी, केंद्र साहित्य अकादमी आदि के सदस्य रहे और उनके साथ इनका संबंध भी रहा और एमटी की प्रिय विधा ही कहानी।
अब तक उनके 16 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और उनकी पहली कहानी जो है चित्र केरल में उनकी पहली कहानी विशु के निट्टम यानी विष्णु उत्सव के समय दिया जाने वाला पैसा विशु के निट्टम प्रकाशित हुआ। और फिर कहानी प्रतियोगिता में पालतू जानवर कहानी से ये पुरस्कृत हुए। फिर कथा साहित्य में और भी विधाएं जिस तरह से उपन्यास लिखा आधी रात और दिन प्रकाश हुआ और हिंदी में अनुवाद भी किए गए इनके कई उपन्यासों के कहानियों के जैसे एक आज एक हम अनुवादित कहानी ही पढ़ेंगे। और सन 1970 को उपन्यास कालम के लिए इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला जो बहुत ही गर्व की बात है। दूसरी बार उपन्यास को केरल के मशहूर ब्लायर अवार्ड प्राप्त हुआ फिर दूसरी बार। और आखिर सन 1995 में भारत जो का जो है साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी विभूषित हो गए। और इस तरह से फिल्म कथा निर्देशक पट कथा लेखक के रूप में भी एक महान हैसियत है लेखक। 1963 में फिल्म क्षेत्र में ये प्रवेश करते हैं तो इन्होंने बहुत सारी कथाएं लिखी पट कथाएं लिखी अंधेरी की आत्मा दीदी सुकृतम उत्तर केरल की बरगथा वैशाली पेरुंतचन नम तासवार पंचाग्नि सदियम परिणय आदि फिल्मों के लिए उन्होंने पटकथा तैयार की थी। और इनके कहानी संग्रह भी बहुत सारे हैं खून से सनी मिट्टी धूप और चांदनी दर्द के फूल याद तेरी याद में अंधेरे के आत्मा स्वर्ग खोलने का वक्त अज्ञात कान बना स्मारक वन प्रस्ताव बहुत सारे कहानी संग्रह है। पर जब कहानी को लेकर इनकी क्या विचार है मलयालम कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मलयालम की पहली कहानी कौन सी है इसमें भी विद्वानों में मतभेद है। केरल वर्मा यानी वली या कोयंत पुराण ने 1869 में विज्ञान मंजरी नामक किताब प्रकाशित हुई थी। इसमें संकलित दो भिखारी चुप्पो की कहानी मलयालम की पहली कहानी साबित करने की कोशिश हुई है यानी मलयालम की पहली कहानी दो भिखारी चुप्पो की कहानी के रूप में हम जान सकते हैं। परंतु के माधवन ने प्रारंभिक कालीन 28 कहानियों का संकलन प्रकाशित किया उनके विचार से मलयालम की पहली कृति जो है वासना कृति थी कहानी। मतभेद रह गया यानी मलयालम की पहली कहानी किसे माना जाए दो भिखारी चुक्को की कहानी या वासना कृति। परंतु हम देखते हैं कि दोनों में ही मतभेद आज भी बना हुआ है। जब हम देखते हैं मलयालम कहानी का दौर पहला दौर 40 वर्ष का इस दौर पर गंभीर तौर पर कहानियां इतनी नहीं रची गई फिर भी कहानियों में जरूर कहानी का जो कथानक था उसका जो चरित्र चित्रण था और उसमें जिस परिवेश का वर्णन था उसका एकमात्र उद्देश्य अगर हम देखते हैं तो वह था सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के वास्ते लिखी गई कहानियों में उस समय संयुक्त या मातृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था का चित्रण था और उससे जुड़ी समस्याएं इतनी नहीं दिखाई गई। उस समय भले ही कहानी विधा अपना सशक्त रूप धारण कर चुकी हो दूसरी भाषाओं में परंतु
पश्चिमी साहित्य से अवगत होते हुए भी मलयालम साहित्य में उसका प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा था। कहानियों का अनुवाद भी नहीं हुआ था। और जब ये समय था 1890 के दशक का समय, जो काल का समय जो था, उस समय अंग्रेजी का स्वर्ण काल कहा गया कहानी की दृष्टि से। और 20वीं सदी में की शुरुआत में भारतीय तथा विदेशी भाषाओं से मलयालम कहानियां अनूदित होने लगी। 19वीं शताब्दी में सृजनरत अनेक अपनी सृजनात्मक वृत्ति जारी रखी। कई लेखकों ने दो तीन कहानियां लिखकर कहानी के क्षेत्र में विदाई लेने वाले लेखक भी रहे हैं। और मलयालम कहानी का जो दूसरा दौर था 1930 से 1955 तक का, यह जमाना एक तरह से मलयालम कहानी का स्वर्ण काल ही रहा है। इस दौर में केरल के सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक विभिन्न क्षेत्र में परिवर्तन आए, विचारधारा बदली, यथार्थवादी कहानियां लिखी गई। और फिर जब सन 1936 में प्रगतिशील साहित्य संघ की स्थापना हुई थी, तो इसी साल केरल में जीवल साहित्य संगठन का रूपायन हुआ, जो अगले साल प्रगतिशील साहित्य संगठन के रूप में तब्दील हो गया। संगठन का लक्ष्य यही था कि किसी भी हालत में कला, कहानी लेखन की जो कला है, वह सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहे, बल्कि जीवन के लिए होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। उसमें विभिन्न प्रकार की विचारधारा जिससे समाज तरक्की करे, समाज को सदराह दिखाने की, मनोरंजन के साथ साथ समाज सुधारक की जो है उसमें गुण होने चाहिए। और तीसरे दौर की कहानी में अगर हम देखा जाए, तो इस जमाने में व्यक्ति के अनुभवों को प्रियता दी गई। यानी जो सबसे पहले अनुभव जनित अपने जीवन के अनुभव को उन्होंने कहानियों के माध्यम से कहीं ना कहीं उकेरा है, वह चाहे काल्पनिक संदर्भ हो या फिर सत्य। और जब हम देखते हैं अनुभव जनित होने के कारण वह व्यक्ति केंद्रित होने लगते हैं। और व्यक्ति केंद्रित होने का मतलब ये नहीं कि इस दौर की कहानियों में विविधता का अभाव था, सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बता दिया, अपने अनुभव के बारे में बताया, नहीं, उसके माध्यम से समाज को दर्शाना। हर एक कहानीकार की अपनी अपनी अलग अलग खासियत रही है, उसी के मुताबिक कहानियों में विभिन्नता आई है। इस जमाने के प्रमुख कहानीकार हैं केविलिन, एमटीटी, पद्मनाभन, सीवी रमन, राजलक्ष्मी, वीके एनपी वत्सला और बेसाखन। तो कहानी संबंधी विचार हमारे लेखक के जानना होगा। और इन्होंने दो किताबें भी प्रकाशित की है कहानी लेखन से संबंधित विचार को ध्यान में रखते हुए। कहानीकार की शिल्पशाला में अपनी सृजनात्मक परता पर उन्होंने प्रकाश डाला है कि मैं अपने लिए लिखता हूं, लिखते वक्त मेरे सामने कोई होता है, पत्रकार, प्रकाशक या पाठक कोई भी नहीं, यह सब मेरी कहानी के भौतिक परिवेश के हिस्से हैं। मैं किसी प्रकाशक के लिए नहीं लिखता, मैं कोई पत्रकार के लिए नहीं लिखता। मेरे दिल में ही फूटती, उपजती और फूलती फलती मेरी अंतर्निहित कथा सृजन के दौरान जब अनुभूत अभूतपूर्व आजादी के बारे में उन्होंने लिखा, जब उन्होंने सीखा क्रिएटिविटी सृजन के दौरान ऐसी स्वतंत्रता के दो से गुजरता हूं जो जिंदगी में किसी भी पल अनुभव अनुभूत होती नहीं है। और उनकी जो कहानी लिखने की स्टाइल है लेखक की,
अपने आप बोलने की इनकी एक आदत है, सृजन में भी यही आदत नजर आती है, आत्मोन्मुखता का दृष्टव्य है, यानी अपने आप बोलने की आदत, यानी अपने अंदर अपने आप से बात करना, आत्मोन्मुख होना। कागज पर उतारने के पहले कहानी के सारे जो है बातें अनुच्छेद एक वाक्य एक मन में जमकर जमा कर रखते हैं, इसीलिए अपनी कहानी के वाक्य रटने या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि फीलिंग से अनुभूति प्रधान कहानी है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि लेखक की सबसे प्रिय विधा कहानी है, शुरुआत में उन्होंने कविता लिखी थी लेकिन बाद में पता चला कि उनकी प्रिय विधा कहानी है, और उन्होंने बताया भी है कि कहानी के प्रति मेरे दिल में विशेष ममता है, कहानी की एक खासियत है कि कविता के समान वह भी पूर्णता तक पहुंच सकती है, या पूर्णता को लक्ष्य बनाते हुए हम इस विधा पर काम कर सकते हैं। उपन्यास में भले ही जिंदगी के पूरे अंगों को दिखाया जा सकता है, लेकिन कहानी के संदर्भ में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी थोड़ी पड़ती है उसको दिखाने के लिए समस्याओं को। तो कहानी में शिल्प संबंधी जो कला संबंधी कहानी का जो शिल्प संबंधी उनका मत है कि शिल्प जो है कथ्य के अनुसार ही रूपायित होता है, क्योंकि अमुक समय पर फैशन के तौर पर ही वैसी चीज बनती है। तो उन्होंने मिसाल प्रस्तुत करते हुए किया कि प्यार के अभूतपूर्व रिश्ते को उजागर करती मेरी कहानी वनप्रस्थ, उनकी एक कहानी प्यार को लेकर लिखी गई, का अभिन्न हिस्सा है प्रकृति, लेकिन अमेरिकन जिंदगी पर आधारित शेरलेक कहानी में प्रकृति से जुड़े लफ्ज तक नहीं है। यानी अगर अमेरिका में प्रकृति को कहां से माना जाएगा, वो भारतीय कहानी लिखते हैं तो उसमें प्रकृति को समाविष्ट करते हैं। उनके शिल्प की एक और खासियत यह है कि वो पाठक को कहानी सुनने का एहसास नहीं होता है, बल्कि कहानी भुगत रहा हूं मेरे साथ घट रही है ऐसा लगता है। तो जो कहानी अभी हम आलोचना करने जा रहे हैं, दीदी कहानी, इनकी प्रसिद्ध कहानी अंधेरे की आत्मा, इसका हिंदी अनुवाद संग्रह में संकलित कहानी है। पूरी कहानी दीदी कहानी एक बच्चे की ख्यालों के जरिए प्रस्तुत की गई कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी, मनोविश्लेषणात्मक रूप से लेखक ने यहाँ पर रखा है कहानी को। बच्चे का नाम है अप्पू, 5-6 साल का बच्चा है। उसकी सोच के द्वारा कहानी की घटनाओं का आकलन हुआ है, इसलिए भाषा एकदम सरल और पात्रों के चित्रण में कोई जटिलता नहीं है। ज्यादातर पात्रों का सरोकार जो है अप्पू से है। अप्पू के मामा और शादी का दलाल शंकर नायर का सीधा संबंध अप्पू से नहीं है, फिर भी उसका चित्रण अप्पू के नजरिए से ही हुआ है। अप्पू की माँ है मालू, जिसे वह दीदी कहकर पुकारता है। माँ को दीदी पुकारने की आदत उस पर डाली गई है, माँ को दीदी पुकार क्यों, क्योंकि अप्पू मालू की नाजायज संतान है। मालू की शादी के पहले अप्पू की पैदाइश हुई थी, किसी से उसका इश्क हो गया और उसकी बरकत है अप्पू। बहन के बिगड़े हुए चरित्र से रूठकर उसका भाई घर में पैर न रखने का प्रण लेकर चला जाता है, और 5 साल बाद वह भी घर के फाटक तक नहीं आता है 5 साल तक, और बहन के दोषी चरित्र का कसूरवार वो किसे मानता है, अपनी माँ को, और उसे कोसते हुए कहता है कि तुम्हें बेटी को पहले से ही देनी चाहिए थी। मां के गुजरने के बाद घर के आसपास तक न आने की भी धमकी देता है। दीदी के रोने से कहानी की शुरुआत होती है, तो अप्पू सोचता है कि शायद नानी ने गाली दी होगी, इसीलिए नहीं जा रही, इसीलिए रो रही है दीदी।
और नानी उसे डांटती भी है, लेकिन अक्कू को रोना नहीं आता बल्कि गुस्सा आता है। वह सोचता है कि नानी बड़ी होकर भी दीदी की फटकार दीदी डांट फटकार कर क्यों सहती है, इतनी बड़ी हो गई दीदी फिर भी नानी की क्यों सहती है। बच्चा होने की वजह से वह नानी की फटकार का असल कारण नहीं समझ सक रहा है। नाजायज संतान होने की वजह से नानी के दिल में अक्कू के प्रति उतनी ममता नहीं है, इसलिए ही वह इस बात पर गाली देती रहती है। एक बात मालूम माँ से शिकायत करती है कि कोस कोस कर बच्चे को मार डालोगी ना, तब माँ उसे बुरी तरह से डांटती है। डांट सुनकर भी मालू अक्कू से उसके रिश्ते की याद दिलाती है। तब माँ उसके अनैतिक रिश्ते के अंजाम पर बल देते बरस पड़ती है। अरे किसी एरे गेरे से हाय राम, मुझसे ज्यादा कहलवाना मत, माँ बेटी का अनबन झगड़ा इसका कारण क्या है? अप्पू माँ को चाहता तक ही नहीं है इस झगड़े के कारण, उसे सिर्फ दीदी चाहिए। जब स्कूल के दोस्त अप्पू को कहते हैं कि उसकी दीदी दरअसल उसकी माँ ही है, तो अप्पू दोस्त की मूर्खता पर हंसते हुए कहता है और दोनों के बीच झगड़ा भी होता है। स्कूल से लौटते हुए अप्पू सोचता है कि दीदी कैसे माँ हो सकती है, उसे माँ बिल्कुल नहीं चाहिए। माँ होती तो क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती आज उसे? दीदी की माँ जैसे नानी है, क्या नानी दीदी को चैन से बैठने देती है? रात को दीदी से सेट कर लेटते नींद आने तक दीदी अप्पू को कहानियां सुनाती है। कहानी सुनना अप्पू को पसंद है। एक रात कहानी सुनने के बाद चुपचाप दीदी पड़ी रहती और थोड़ी देर बाद अप्पू से पूछती है कि बड़ा आदमी बनने पर तो दीदी का खूब ख्याल रखेगा ना? अप्पू कहता है हाँ दीदी। उसे तो लगा कि दो तीन दिन से दीदी की तबीयत खराब है। वो चुपचाप अप्पू को नहलाती खिलाती बाल संवारती है, ये सब करते उसके चेहरे की ओर ताकती भी रहती है। असली बात तो ये थी कि नानी दीदी की शादी की योजना बना रही थी, प्लानिंग ऐसी कर रही थी कि नानी दीदी से ये प्लानिंग बना रही थी कि उसकी बात सोच सोच कर तुम्हें मन से मारने की जरूरत नहीं है। वो अप्पू की ओर संकेत कर रही थी, ऊंची आवाज में समझा रही थी दीदी कि जो हो गया सो हो गया, इधर उधर की बातें सोचने से कोई फायदा नहीं, अगर यह भी हाथ से निकल गया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। और शंकरण नायर भी दीदी को समझा, नानी को भी समझा रहा है कि बच्चे की भनक तक उस आदमी के कान में ना पड़े कि दीदी के बच्चा था। और अप्पू ने इन सब की बातें सुन ली थी, लेकिन अप्पू को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त अप्पू को मीठा पकवान मिलता है, विशेष अवसर पर यह बनाया जाता है। दोस्त चक्कन से अप्पू को पता चलता है कि घर में मेहमान आए थे पहाड़ी प्रदेश वायनाडु से, दीदी को देखने कोई आया था। शंकरण नायर बता रहा था कि उसके पास सरकार से मिली 4 एकड़ जमीन है, बिटिया को कोई तकलीफ नहीं होगी, मेहनत करने पर आराम से गुजारा हो सकता है। इस घटना के बाद एक दिन सुबह दीदी अप्पू को जगाती है, नहलाती है, मांड भात पिलाने के बाद कपड़े पहनाती है, सारी सलाहें देती है, फिर अप्पू को छाती से लगाकर टूटी आवाज में पुकारती है, मेरे बेटे। कंठ रुद्ध स्वर में अप्पू से कहती कि बेटे एक बार मुझे माँ कहकर पुकार दे। पर माँ को कहना तो अप्पू को अच्छा नहीं लगता। वह दीदी से पूछते है दीदी दीदी कैसे माँ होगी? दीदी ने उसका जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका जवाब उसके पास नहीं था। वह उसे स्कूल रवाना कर देती है। अप्पू समझ गया और दरवाजे के सहारे खड़े दीदी उसे एक टक देख रही थी। उस दिन शाम अप्पू जब स्कूल से लौटकर दीदी को पुकारता है तो नानी ही जवाब देती है। बार बार पूछने पर
कहती है नानी की दीदी अब और नहीं। नानी तसल्ली देती है कि दीदी आ जाएगी, अप्पू तेरे लिए गेंद लाएगी। अप्पू को गुस्सा आ रहा है, दीदी क्यों गई, कहाँ गई? नानी कहती है कि खाना खा लो बेटा, मांड भात खा लो। अप्पू बाहर निकलता है, सोचता है कि अरे दीदी रबड़ की गेंद ला के देगी मुझे मेरे लिए। देखो मैं दीदी से बिल्कुल बात नहीं करूंगा, रबड़ की गेंद फेंक दूंगा। बच्चे का मनोवैज्ञानिक पक्ष है यहाँ पर, रबड़ की गेंद में फेंक दूंगा। फिर सोचता है कि गेंद भी लाएगी और मिठाई भी, खाने के लिए भी तो कुछ लाएगी ना, तो दोनों लाएगी, तो मैं क्या डिसाइड करूंगा, क्या तय करूंगा। वो असमंजस में पड़ जाता है क्योंकि दीदी उसे बिना बताई गई है, इसलिए दीदी के प्रति थोड़ा मान है, लेकिन उम्मीद है अवश्य दीदी जल्दी लौट आएगा आएगी। उसे पता नहीं कि दीदी शादी के वास्ते चली गई है। बच्चे की दिल की निरीहता को गहराई से दर्ज करते हुए कहानी समाप्त हो गई। उसे पता नहीं कि दीदी कहाँ गई। जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कहानी में, त्रासदी त्रासदी भरा चरित्र है, वह है दीदी का। अप्पू के ख्यालों के जरिए ही दीदी की त्रासदी हमें पता चल रहा है कि, और कहानी का शीर्षक भी जो दीदी रखा गया उसका सिर्फ इसका यह संकेत है कि कुमारी मालू का किसी आदमी से अनैतिक संबंध हो गया था, जिसका दुखद अंजाम उसे भुगतना पड़ रहा है। इस तरह से वो बेटे को कहती है कि बेटा एक बार कह दे माँ, पर बेटा माँ नहीं कहता। एक बच्चे को जन्म देती है, मां होकर भी मां की ममता जाहिर न कर पाना। दीदी के बहाने प्यार प्रकट करना मजबूर है। अपने बच्चे के मुंह से सिर्फ एक बार सुनना चाहती है मां शब्द, लेकिन बच्चा तो दीदी पुकारने का आदी हो चुका था ना, इसीलिए मां कहने के लिए हिचकता है वो। कुमारी होने के कारण मातृत्व तो छिपाने के लिए वो मजबूर है, बच्चे के सामने वो खुलासा नहीं कर पाती। माँ की सलाह से अपने भविष्य के खातिर वो राज को छुपाती है। अप्पू की पैदाइश परवरिश इस तरह से हुई है कि वह माँ को दीदी ही समझता। तो कहानी का जो परिणाम त्रासदी, वह मालू को ही भुगतना पड़ता है। वह अपने बच्चे को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। दलाल शंकरण नायर मालू के साथ शादी करने एक नेक आदमी को पटाकर लेकर आता है और शर्त क्या रखता है कि उसे बच्चे होने की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। उसकी माँ भी इसी तरह बेटे बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित है। तो बच्चे की निरीहता के बारे में यहाँ पर बताया गया। दीदी कहानी में सबसे जो प्रमुख पात्र आया बच्चा अप्पू है। पूरी कहानी अप्पू के विचारों और क्रियाकलापों के द्वारा बताई गई है। अप्पू 5-6 साल का बच्चा ही था, इसीलिए तो कहानी का केंद्र भाव निरीहता है। केंद्रीय भाव है निरीह, निरीहता। निरीहता ही कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। अप्पू और दीदी में अच्छे संबंध है, परंतु वह माँ कहने में तकरार रहा है। बच्चा होने की वजह से ही वो समझ में नहीं पा रहा है कि दीदी की शादी होने वाली है। बोलकर
कहानी में जो अभिव्यक्त मनोवैज्ञानिक आयाम है, अगर हम देखें हमारे लेखक एंटी अंग्रेजी साहित्यकार फ्रायड के जमाने के हैं, तो फ्रायड जो है मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवादी आलोचक रहे हुए हैं, तो मनोवैज्ञानिक कहानी है, मानव मन के पारखी है हमारे लेखक। दीदी कहानी में हम देखते हैं कि 5-6 साल का बच्चा, बच्चे के चरित्र की सारी खासियत, बच्चों के बारे में जो बच्चों की भावनाएं, बच्चों के मन में चलने वाली विभिन्न घटनाएं कहानी में आ रही है। किस तरह से दीदी का वात्सल्य प्रेम उभर कर आया है अप्पू के प्रति, और इसमें केरल की पारिवारिक जिंदगी और समाज और स्वरूप का भी कहीं ना कहीं चित्रण देखने को मिला है। भले ही लेखक ने बाहरी परिवेश का विस्तृत चित्रण नहीं किया है, फिर भी आपसी बातचीत या नाम या तत्कालीन समाज सामाजिक जिंदगी से हमें पता चलता है केरलीय परिवेश का। भाषा शैली के रूप से कथोपकथन संवाद बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है लेखक ने। कटु भाषा भी कहीं कहीं नानी बोलती हुई नजर आई है, जिस तरह से बेटी के बिगड़े चरित्र पर वो डांटती है, फटकारती है, तो हम एमटी वासुदेवन नायन की जो कहानी के बारे में हम देखते हैं, यह दीदी कहानी एक प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी का मुख्य केंद्र बिंदु मूल्य चेतना है कि शादी के पहले स्त्री का मां बनना घोर अपराध है। यदि ऐसा अपराध हो जाता है तो उसे गुप्त रखना है कि लड़की की भविष्य के लिए श्रेयस्कर है, नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दीदी कहानी की मालू का शादी के पहले किसी आदमी से अनैतिक संबंध हो गया है और उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया है, और उस आदमी के बारे में कहानी पर कहीं भी जिक्र नहीं आया है, और मालू के भविष्य के खातिर ही जो है बच्चा अप्पू जो है वो माँ को दीदी पुकारने की आदत डाली गई है। मालू की माँ की कोशिश और दलाल शंकरन नायर की मदद से एक आदमी मालू से शादी करने को तैयार होता है। शंकरन नायर की सिर्फ एक शर्त थी कि बच्चे की भनक तक उस आदमी के कान में न पड़े। बच्चे को छोड़कर जाने से पहले मालू उसके मुंह में एक दफा की सही माँ बोलकर सुनना चाहती है, लेकिन अब वो तैयार नहीं होता। नानी के बर्ताव से उसका बाल मन इतना उचट गया है कि उसे माँ नाम से ही चिढ़ है, उसे दीदी ही पसंद है। अप्पू को इसका पता नहीं कि दीदी कहाँ छोड़कर चली गई है। नानी अप्पू को तसल्ली देती है कि दीदी खेलने वाली गेंद लेकर आएगी। अप्पू थोड़ा मन में मान लेता है कि दीदी उसे साथ लिए बिना बिना बोले चली गई, फिर भी उम्मीद है कि दीदी जरूर वापस आएगी। एक माँ के आत्मसंघर्ष, बच्चे की निरीहता, दोनों के बिछड़न की त्रासदी की कहानी है दीदी कहानी का केंद्रीय पात्र अप्पू, और उसके ख्यालों के द्वारा कहानी का तथ्य उजागर हुआ। इसलिए भाषा और शैली एकदम सरल है। कहानी में घटनाओं का नियोजन इस तरह हुआ कि पढ़ने में कोई अड़चन नहीं आती है। केरल में एक जमाने की सामाजिक जिंदगी, संस्कृति और मूल्य का बारीकी से चित्रण किया है। अगली कहानी हम पढ़ते हैं, लड़की जिसकी मैंने हत्या की थी। जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास में है, अपना नाम
और रोल नंबर मैसेज बॉक्स पर लिखते हैं ताकि पता चल जाए कि कौन कौन क्लास कर रहे हैं। करीब करीब स्टूडेंट्स ने अपना नाम और रोल नंबर दे चुका है, जिन्होंने नहीं दिया है वो अपना नाम और एनरोलमेंट नंबर मैसेज बॉक्स में टाइप करें। मलयालम कहानी के बाद हम कन्नड़ भाषा की कहानी लड़की जिसकी मैंने हत्या की थी वह पढ़ी। कन्नड़ भाषा में कहानी की समृद्ध परंपरा रही है। और जो हम पढ़ने वाले हैं कहानी के लेखक, आनंद का मूल नाम अजामपुर सीताराम था और वे आनंद के नाम से ही लेखन करते थे। आनंद का जन्म 1902 में हुआ था और 1963 तक वे साहित्य सृजन कार्य में लगे रहे। उन्होंने संकलित कहानी लड़की जिसकी मैंने हत्या की थी, कन्नड़ भाषा में इसका शीर्षक है नानू कोंडा खोड़गी, उसकी रचना उन्होंने 1931 में की थी। यह कन्नड़ भाषा की एक उल्लेखनीय कहानी मानी जाती है। तो हम देखते हैं लड़की जिसकी मैंने हत्या की। आनंद की यह कहानी भारतीय समाज को विवेकशीलता और सहृदयता से दिखाने में एक तरह से कोशिश की है। जिस तरह फ्लैशबैक शैली, फिर से वापस लौटकर आ जाना, जिस तरह से उसने कहा था कहानी मौलिक कहानी हमने पढ़ी, नहीं पढ़ाया गया है दूसरे कोर्स में, तो उसने कहा था कहानी जिस तरह से फ्लैशबैक शैली में लिखी गई थी, पूर्व दीप्ति शैली, यानी फिर से घटना को बैक में ले जाना, पीछे की ओर ले जाना। इस कहानी का जो है नरेटर खुद ही लेखक है, लेखक स्वयं है यहाँ पर उपस्थित, क्योंकि प्राचीन भारतीय कहानी शैली में देखते हैं तो लेखक यहीं पर उपस्थित है। आज प्राचीन भारतीय शिल्पों को लेकर लेखक में गहरी दिलचस्पी है और इन्हीं का अध्ययन करने के लिए वो तत्कालीन मैसूर प्रांत की यात्रा पर निकलता है लेखक आनंद। घूमते घूमते वो नागबल्ली नामक एक गांव में पहुंचता है जहां पर उसे वहां का प्रभावशाली व्यक्ति श्री करियप्पा के यहाँ ठहरता है। करियप्पा जिस उदार भाव से उसका स्वागत करते हैं वह उनके बड़प्पन के साथ ही उस भारतीय जीवन का भी संकेत है जिसमें अतिथि देवता होता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि अतिथि देवो भव। लेखक ने विस्तार से आतिथ्य का वर्णन किया और कहानी के अंश में भी यह बताया गया कि किस तरह से उसने जो है खातिरदारी की उसकी, कि बरामदे के बगल में ही एक कमरा था, घर के नौकर ने उसका दरवाजा खोलकर सफाई करके चटाई बिछाई, यानी किस तरह से उसने खाना दिया, करियप्पा ने किस तरह से उसका आदर सत्कार किया, हमें संवादों के जरिए पता चल सकता है कहानी में। और लेखक भी कहते हैं कि मैंने कमरे में जाकर कपड़े उतारे, कमीज उतारी, बदलकर इतने में किसी ने भीतर से गर्म पानी लाकर धर दिया, मैंने हाथ पांव मुंह धोया, आधे घंटे बाद भोजन भी किया। तो भारतीय संस्कृति की एक तरह तो छाप दिखाई दे रही है कहानी में कहीं ना कहीं, पर मैं उन्हें अपनी यात्रा के बारे में विस्तार से बताते भी है लेखक उनको, और मेरा उनके घर में ठहरने के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात थी। यह उनकी हर बात से झलक रहा था क्योंकि करियप्पा के द्वारा उन्हें संस्कृति को जानना था, बातों ही का भी परिचय मिल गया। अच्छा खासा घर था, खाता पीता घर था, 400 रुपए लगान देते थे, घर भी खूब बड़ा बना रखा था और गांव में सबसे बड़ा घर इन्हीं का था। सबसे बढ़कर उनकी निष्कपट नम्रता
से ये प्रभावित होते हैं। ये गुण उनमें स्वाभाविक रूप से आया होगा। ऐसा महसूस हुआ, मुझे लगा कि उनके घर में मेरा खूब सेवा सत्कार होगी। तो लेखक एक सद्गृहस्थ है, वह अपनी यात्रा का वृतांत अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी को पत्र के माध्यम से कहते हैं और नागवल्ली गांव में थोड़े आराम और इम्तिमान के बाद एक विस्तृत पत्र अपनी पत्नी को लिखता हुआ लेखक कहानी में कहता है, जब यात्रा बैलगाड़ी से की जाती थी और आज की तरह ईमेल, एसएमएस या फोन, मोबाइल फोन की सुविधा नहीं थी, तो अकारण ही पहले कितने कितने दिनों तक विलंब हुआ करता था। लोकगीतों में तो कबूतर के द्वारा चिट्ठी या फिर तोते के द्वारा संदेश भेजना, इस तरह से उसने लिखकर लिफाफे में बंद कर दिया। जाहिर है कि इसके बाद पत्र को लेटर बॉक्स में डालना था। लेखक जाता है लेटर बॉक्स में अपना लेटर डालने पत्नी लक्ष्मी को, देखा उसने उसके कमरे के बाहर एक लड़की बैठी। लड़की से पूछा, तू लेटर बॉक्स का पता जानती है क्या, कहां ये लेटर डाल। लड़की आग्रह के साथ ले लेती है वह लेटर, पत्र ले लेती है। इसी क्रम में दोनों की बातचीत होती है, तो तुम्हारा नाम क्या है पूछता है, तो उस लड़की का नाम आता है चन्नी। चन्नी अर्थात चेनम्मा। पूरी कहानी इसी चन्नी के इर्द गिर्द घूमती है। यह चन्नी कौन है, कैसी है, यह भी जानने चलते हैं लेखक, क्योंकि अब चन्नी के बारे में जानना है। लेखक ने उसका परिचय देते हुए जो लिखा है वो सीधे साधे उसे ही देखते हैं। पहला परिचय तो वो मुस्कुराई थोड़ा, गांव के उस बच्ची की विनयशीलता सरलता को देखकर लेखक को बड़ा संतोष होता है। जन्मा जन्म से ही मुस्कुराहट लेकर आई हो। मैंने जब भी देखा चेनम्मा को मुस्कुराते हुए ही देखा है। किस तरह से वह इधर उधर घूमते रहती है, उसके अधरों पर हमेशा मुस्कान रहती है। चेनम्मा की सुंदरता, सहजता, सहृदयता का विरल संयोग है। लेकिन इसके बाद उस लड़की को तो देखा पर उसके अंदर के जीवन की विडंबना का पता चला, जो अंधविश्वास की कोख से पैदा हुआ। रात के अंधेरे में चन्नी लेखक के कमरे में आती है। लेखक को बताती है कि वह बसवी है। इस प्रसंग को समझने के लिए कहानी का अंश देखिए। अरे मालिक, ऐसा क्यों कहते हैं, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं बसवी हूं। क्या 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 कहा, मुझे बसवी बनाकर छोड़ दिया मेरे मालिक। बसवी बसवी इसका माने क्या, इसका मतलब भगवान के नाम पर छोड़ दिया है। मैंने पूछा, भगवान के नाम पर छोड़ दिया है किसने। माता पिता ने। क्यों छोड़ दिया मालिक, आज से 8 साल पहले मैं बहुत बीमार पड़ी थी, तब मेरे माता पिता ने मरड़ी भगवान के नाम पर मन्नत मांगी थी कि यदि मैं ठीक हो जाऊं तो उस भगवान के नाम पर मुझे बसवी छोड़ देंगे। मैं ठीक हो गई मालिक, यही है बसवी। तो तुम शादी नहीं करोगी। नहीं मालिक, यूं ही रहूंगी। यूं ही रहोगी क्या। हाँ मालिक, यूं ही रहूंगी। देखो यहां पर विडंबना की पहचान हो रही। बेटी अगर बीमार होती है तो मां बाप चिंतित हैं,
उनकी अभिलाषा थी कि बेटी की जिंदगी बच जाए, पर दूसरा पक्ष उसका अंधेरा ही अंधेरा है। बसवी देवदासी से मिलती जुलती एक प्रथा थी। लेखक कहता है कि ईश्वर से क्या बसवी के माता पिता ने इसीलिए जिंदगी मांगी थी कि वो रोज रोज मरे, एक बार मरने की वजह रोज रोज मरे, वो भी ईश्वर के नाम पर। ये तो ईश्वर और धर्म को गठघरे पर खड़ा करना है, विशुद्ध अंधविश्वास का मामला है। इस तरह से लंबा संवाद चलता है। किसी तरह से लेखक ने उसे बहुत समझाया चेन्नम्मा को भगवान के नाम पर, स्त्रियों को किस तरह से मौत के घाट पर उतारा जा रहा है, उनकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। लेखक खुद कहता है कि उसकी बातें सुनकर मेरे हृदय में उद्गार निकल गए, हे भगवान, तुम्हारे नाम पर तुम्हें खुश करने के लिए इतना अन्याय और पाप चल रहा है। लंबे तर्क वितर्क के बाद दोनों में इस बात का बोध हो जाता है, लड़की को भी पता चल जाता है कि वो जो काम कर रहे हैं, जो काम कराया उसके माता पिता ने, उससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं। ये भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान कभी अपनी संतान से कोई ऐसा कर्म कराएंगे क्या जिससे मान सम्मान की और आत्मा की क्षति पहुंचे? लेखक खुद रोता हुआ कहते हैं कि चेन्नम्मा, भगवान तेरी रक्षा करेगा। कहानी का अंत इस अर्थ में सुखद है कि चेन्नम्मा को सत्य का बोध होता है, पर कहानी की पूर्णता में यह कहानी दुखांत है। लेखक को पता चलता है कि चेन्नम्मा की लाश कुएं में मिली है। ये सुनकर वो बेहोश हो जाता है। लोग पानी छिड़क कर होश में लाते हैं। कह सकते हैं कि इस घटना से लेखक को काट मार गया। वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। देखो, सही बताया तो भी रात में जब लौटी थी तब लेखक को लगा था कि लड़की को मैंने नरकीय जीवन से उबार लिया, लेकिन यहां तो पंछी पिंजरा छोड़कर ही उड़ गए। जन्मा की हत्या का कारण पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आत्महत्या बताई गई। 20 वर्ष की चेन्नम्मा जब सपना आकार लेना शुरू हुआ था, चेन्नम्मा मृत्यु की गोद में सो गई। तत्त्वात्मक रूप से उसने आत्महत्या की, लेकिन दरअसल वह एक हत्या ही थी। देखोगे तो उसके माता पिता भी घृणित प्रथा में निरीह शिकार हो गए थे। चेन्नम्मा यदि जीवित रहते हुए बसवी रहने से इनकार कर देती तो अंधविश्वास में डूबा समाज उसे जीने नहीं देता। मृत्यु उसकी चाहत नहीं, विवशता है। लेखक आत्मग्लानी में डूबा है कि यदि उसने चेन्नम्मा को न समझाया होता तो शायद वह मृत्यु का वरण नहीं करती। लेखक को यह आत्मग्लानी ही कहानी का शीर्षक जा रही है कि वो लड़की जिसकी मैंने क्या की। यह लेखक के भीतर की मनुष्यता की आवाज है। कहानी का शीर्षक इसी आत्मग्लानी का बोध कराता है। कहानी का अंतिम और इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि पूरी घटना एक स्त्री अर्थात लेखक की पत्नी लक्ष्मी की राय क्या होगी, अर्थात एक स्त्री के दुख और बसवी प्रथा जो थी और एक युवती की अकाल मृत्यु पर एक स्त्री की प्रतिक्रिया सर्वोपरि होगी। और हम मनुष्यता में आस्था का विवेक
और आदर्श को देखते हैं। अगली कहानी है ट्रेडिल। ट्रेडिल यानी प्रेस में की एक मशीन, जिसके माध्यम से भारतीय कहानी में हम ट्रेडिल कहानी जो आज पढ़ेंगे, यह जयकांत की तमिल कहानी है, एक ख्याति प्राप्त कहानी है। ट्रेडिल में स्टोरी नहीं है, विचार है। तमाम असुविधाओं और अभाव के बीच कहानी का जो मुख्य पात्र है विनायक मूर्ति, उसके जीवन की जीने की अभिलाषा को व्यक्त करती है कहानी। आज यंत्र की तरह हो चुका मानव जीवन किस तरह से आज जीवन संघर्ष करते हुए दिखाई देता है ट्रेडिल का। जयकांतन तमिल में मोपासा के नाम से जाने जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण आदि कई सम्मानों से सम्मानित किए गए तमिल कथाकार जयकांतन। और जब हम देखते हैं कि ट्रेडिल कहानी में छापे खाने के जीवन के बारे में बताया गया है, ट्रेडिल क्या है पहले ये जानो। ट्रेडिल वह मशीन है जिसे पांव की सहायता से चलाया जाता है, और छोटे छोटे गांवों में पहले या शहरों में ऐसी मशीन हुआ करती थी छापे के लिए, आजकल तो बड़ी बड़ी प्रेसें होने लगी है। पांव से चलाई जाने इस मशीन चलाई जाने वाले इस मशीन में छपाई का काम होता है। और कहानी में जो वर्णित है, छापाखाना छोटा सा मुद्रणालय यानी प्रेस है, उसका वर्णन किया गया है। कहानीकार ने प्रेस सामग्री मशीन में छपकर आने से पहले की स्थितियों उसके बारे में हम जानने को मिलता है ट्रेडिंग कहानी में, और छापा खाने के जीवन से परिचित हो सकते हैं। किस तरह से ट्रिंग 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 आवाज आती है ट्रेडिंग मशीन का जो है घूमने की आवाज, चर 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 डन टक 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 टक, इस तरह की आवाज जो आती है, वो सारी आवाज के जरिए कहानी को जीवंत बनाना चाहता है लेखक। पर अंधेरी गुफा सरेकी के माध्यम से प्रेस की जिंदगी के बारे में अनुमान किया जा सकता है इस कहानी को पढ़ते हुए, क्योंकि प्रेस के मालिक हैं मुरुगेश मुतलियार और कर्मचारी और अधवा मजदूर विनायक मूर्ति है, बाइंडर है, मशीन मैन भी है, तो उस पर काम का कितना बोझ होता होगा तुम सोच सकते हो। पूरे छापाखाने में अधिकांश समय वह अकेले काम पर जुटा रहता है, कागज मशीन इंक टाइप सेटिंग पेडल मशीन मार मार कर चलाना, और इसी बीच उसे कहानी के पात्र को हार्निया हो जाना, ऑपरेशन के बाद उसे विवाह न करने की सलाह दी जाती है। इस दुखद जीवन से उस अंधेरी गुफा में बिताने के लिए वह विवश हो जाता है। बीमारी दर्द और अपमान को साथी बनाने के लिए लाचार हो जाता है। तो कहानीकार इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि छापा खाना में जो काम करने वाले मजदूर है उनके जीवन की स्थिति का मार्मिक चित्रण किया गया है। मालिक कर्मचारी संबंध को भी बताने की चेष्टा की है। मजदूरों का जीवन और उनके टूटते हुए जीवन की कथा कह रही है ट्रेडिंग कहानी। तो जयकांतन इस कहानी के माध्यम से भारतीय पूंजीवादी व्यवस्था से मजदूर जीवन की विभिन्न प्रवृत्तियों को बड़ी कलात्मकता के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। ये कहानी मजदूर वर्ग या कर्मचारी वर्ग की सोचनीय स्थितियों को रेखांकित करती है। मालिक कर्मचारी के संबंध और तनाव को भी उजागर करती कहानी, तथा वर्ग चेतना का परिचय भी प्रदान करती है यह कहानी। विनायक मूर्ति कंपोजिटर कम
बाइंडर कम मशीन मैन की पूरी जिम्मेदारी निभाता है, इन ऑल इन वन प्रेसमैन। उसके जीवन की वास्तविकताओं को भी अत्यंत संवेदनशीलता के साथ कहानी करने अंकित किया है। विनायक मूर्ति के टूटते बिखरते सपने भी हम कहानी में देखने को पाते हैं। मूल संवेदना जो है कहानी ट्रेडिल की, वह है मानव मूल्यों का क्षरण होना, मनुष्य का मशीन में तब्दील हो जाना, शोषण से मुक्त एक वर्गहीन समाज निर्माण की आकांक्षा के साथ साथ मनुष्य जीवन की अदम्य जिज्ञासा को हम समझने को पाते हैं कहानी ट्रेडिल में। मनुष्य अपने सपने को बचा सके तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। सपने बचेंगे तो मनुष्य बना रहेगा, मानवता बची रहेगी, मानव मूल्यों की रक्षा हो पाएगी। तो ये विनायक मूर्ति एक टाइप चरित्र है, उसके माध्यम से मजदूर कर्मचारी के जीवन और अंतर मन की विविध स्थितियों का इस कहानी में बड़ी मार्मिकता के साथ चित्रण हुआ है। अगली कहानी के बारे में कालीपट्टनम रामाराव की कहानी प्राणधारा। प्राणधारा कहानी में जो है हम देखते हैं कि कहानी में विभिन्न प्रकार के संघ का स्वरूप, कार्यकुशलता, साधनहीन की व्यवस्था, अगर साधन नहीं हो तो किस तरह से शोषित वर्ग कदम कदम पर आत्मसम्मान को दबाना पड़ता है, स्त्रियों के प्रति संवेदना की भावना कहानी में, और तेलुगु भाषा समाज की एक विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा को हम प्राणधारा कहानी में देख सकते हैं। क्योंकि तेलुगु के प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित होने वाले और अपने विचारों को लेखन से उसे प्रभावित करने वाले साहित्यकारों में कालीपट्टनम रामाराव महत्वपूर्ण स्थान। वे साहित्य में सामाजिक यथार्थ के समर्थक हैं, साहित्य में जनता का चित्रण वे देखना चाहते हैं, समाज में मानव मूल्यों को स्थापित करने के लिए रूढ़िवादी और सामंतवादी शक्तियों से संघर्ष करती हुई सामाजिक शक्तियों का चित्रण इन्होंने अपनी कहानियों में किया है। इनका मार्ग अध्यात्म का मार्ग नहीं है, क्योंकि वे मानते हैं कि यह मार्ग हमारे जनसाधारण की समस्याओं को सुलझाने में सहायक नहीं हो सकता। अन्य प्रगतिशील साहित्यकारों की तरह ही वे विषय को शैली से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। वे मानते हैं कि विषय की जीवंतता से शैली में शक्ति आती है, विषय सामाजिक हो और वह जनजीवन के यथार्थ से संबंध हो तभी वे किसी रचना को उपयोगी मानते हैं। रामाराव जीवन के बारे में, मानव मन की विभिन्न प्रवृत्तियों के बारे में असाधारण समझ रखने वाले लेखक हैं। इस कारण इनकी रचना जो प्राणधारा एक महत्वपूर्ण कहानी है, यह एक यथार्थवादी कहानी है। प्राणधारा जिसमें निर्धन लोगों के जीवन की विकट स्थितियां और भारतीय समाज के निर्मम और घृणास्पद यथार्थ की ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट किया गया है। समाज के साथ रचनाकार का संबंध को बराबर ध्यान में रखने वाले लेखक ने शोषण और अत्याचार पर आधारित इस व्यवस्था में पानी जैसे प्राकृतिक और मानव जीवन के लिए अनिवार्य संसाधन की उपलब्धता के मामले में किस प्रकार का अन्याय हो रहा है, इसका प्रभावी चित्रण कहानी में किया गया है। लेखक ने चेताया है कि ऐसी अमानवीय, अन्यायपूर्ण, अमानवीय व्यवस्था कितने दिनों तक कि निचले तबके के लोगों को आसानी से पानी ही नहीं मिलता था, कि वे अछूत माने जाते हैं।
अछूत माने जाने वाले के लिए पानी संकट का मार्मिक चित्रण करने वाली प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं, जिसमें जोकू अछूत होता है, बीमार होता है, उसे प्यास लगी रहती है और घर में जो पानी है वो सड़ा हुआ है, बदबूदार हो गया है। रात का वक्त है, इसीलिए उसकी पत्नी रात को गंगी चोरी चोरी अछूतों के लिए निषिद्ध ठाकुर के कुएं से पानी लेकर पानी भरने जाती है। अगर इस समय वो पकड़ ली गई तो उसके लिए माफी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद के में जब हम देखते हैं तो प्रेमचंद इस घटना का इस प्रकार वर्णन करते हैं कि अंत में उसने देवताओं को याद करके कलेजा मजबूत करके खड़ा कुएं में डाला, खड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता गंगी ने दो चार हाथ जल्दी जल्दी मारे, खड़ा कुएं में मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से नहीं खींच सकता होगा। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयावह नहीं होता। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई, रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाज सुनाई देती रही। ठाकुर कौन 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 पुकारते हुए कुएं की तरफ जा रहे थे तो गंगी जगत से कूद कर भागी जा रही थी। घर पहुंच कर देखा कि जोकू लोटा मुंह से लगाए वही गंदा पानी पी रहा था। यानी जो ठाकुर का कुआं कहानी की जो समस्या थी, जो अछूतों के प्रति समाज में विभिन्न प्रकार की जो धारणाएं हैं उसको दिखाया गया, तो समसामयिक जीवन की झलक देने वाली यह कहानी को हम देखते हैं कि किस तरह से लेखक का विचार यहाँ पर स्पष्ट हुआ है कि संघर्ष करने वाले या साधनों से विवश किस तरह से लोग, उसके बारे में हम जानते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में आज 8 बजे क्लास कहानी की ही MHD 9 की कहानी 4 बजे की क्लास में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जिन्होंने भी अपना एनरोलमेंट नंबर और नाम नहीं लिखा है, मैसेज बॉक्स पर जाकर अपना एनरोलमेंट नंबर और नाम लिखें ताकि हमें पता चले कि कौन कौन अभी हमारे साथ क्लास में। आप लोगों ने सभी ने अपना एनरोलमेंट नंबर और नाम मैसेज बॉक्स पर टाइप कर दिया है। जो भी अभी 16-17 लोग क्लास कर रहे हैं, आपने सब लोगों ने भेज दिया है जी। कई लोगों का आ चुका है, अर्चना घड़ई, अर्चना कौरव, प्रियंका शर्मा, गीता सैनी, रोजालिन पंडा, शीतल सिंह, तेजिंदर कौर, संदीप कुमार, ममता कुमारी, सोनाली किरण कुलकर्णी, साहू, काजल रॉय, प्राची प्रभा दास, इतने लोगों ने सिर्फ अपना नाम और रोल नंबर भेजा है, बाकी लोगों ने नहीं भेजा। तो ठीक है, फिर रखता हूँ। जो पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया? जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, रखता हूँ।